Saurav Joshi did this to my face. Oh fuck bhai! Oh bhai, I want to watch this yaar. Guys, मैंने पिछले चार दिनों से अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है. मैं वीडियो अपलोड करना चाहती थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे चेहरे को लेकर, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी. आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे की क्या हालत है. आज बहुत टाइम बाद मैंने हिम्मत जुटाई है एंड मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो अगर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए. जिसने ये सब किया है उसको बुरा लगना चाहिए एंड उसको गाइस बुरा ज़रूर लगेगा. तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, मैं सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत ज़्यादा पेन में हूँ. मेरा जो ये जबड़े वाला एरिया है, जो गाल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को दर्द हो रहा है वहाँ पर. मैंने पिछले काफ़ी टाइम से वेट किया, मुझे लग रहा था अपने आप सही हो जाएगी ये चीज़, अपने आप सही हो जाएगा, मेरा फेस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो. क्या हुआ जी मेरे साथ? फिल्टर नहीं, बट अगर एक्चुअली में ऐसा कुछ फिल्टर नहीं होता मान ले. फिल्टर है भाई. नीचे एक बंदे ने कमेंट करा, आई एम सो प्राउड सौरभ जोशी डिड दिस. नीचे नीचे कमेंट में देखियो. नीचे कर माय रिस्पेक्ट फॉर सौरभ जोशी इंक्रीजिंग डे बाय डे, आई एम सो प्राउड ऑफ सौरभ जोशी फॉर डूइंग. देख मेनी 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 कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू फेस. आई होप यू ऑलवेज कीप फेस लाइक दैट. किसकी वीडियो पूरी देखते हैं ना भाई. भाई हुआ क्या है, मधुमक्खियों ने काट दिया. बस मेरे को ये लग रहा है यार, कॉपीराइट वाला सीन तो नहीं होगा. आ जाए भाई फिर डिस कर देंगे. ठीक है भाई, माम करने ले कंट्रोवर्सी. लेकिन ऐसा मैंने पता कब देखा था, ऐसा मैंने बियर ग्रिल्स को देखा था. बियर ग्रिल्स का वाला व्लॉग देखा, इसमें शायद खाता है मधुमक्खी काट. हां अच्छा, ऐसे ही हो जाता है वो भी. लेकिन भी जा रही हूँ अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में एंड पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी. बट एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी सौरभ के लिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही करके अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मुंह बंद कर लूँ अपना आपके खिलाफ कुछ ना. किसी का मुंह बंद करना है तो उसका ये कर दो. क्या है लेकिन इतना सा मुंह बचेगा, वो बंदी है एक तरह से. और उसने क्या करा है, बैट मारे हैं किसके मुंह पे. तो कुछ सोच ना क्या हुआ है भाई. और सिर्फ एक मुंह सूजा है, देयर इज नो निशान ऑफ क्या कहते हैं इंजरी, इंजरी एलर्जी भी नहीं दिख रही. एलर्जी भी होती है तो पता लगता है ना, कुछ रेड रेड हो जाता है. तो या तो जो फिल्टर बनाने वाले हैं उनने थोड़ा सा दे हैव नॉट थॉट रियलिस्टिक कि अगर इसको ऐसा बनाए तो क्यों बनाए, कि पाइल जोन यूज करेंगे तो फिर अच्छे से बनाना चाहिए. सो गाइस हम पहुंच गए हैं क्लिनिक में, मैंने अपना चेक करा लिया एंड अब ये जो डॉक्टर है ये मेरे भाई को कुछ बता रही है. मेरे को आवाज कम करना जरा. भाई को बता रही है कि आप गलत जगह आए हैं, आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है. ये लीजिए नंबर, इसको मत बताना हाँ कि मैंने भेजा है, क्योंकि इसके नाम में जोन है. पाइल जोन है ये ज़ोन्ड आउट है. जोन तो फिर गौरव के पीछे भी था. हाँ तो उस वैसे लोग तो बड़े हानिकारक होते हैं. बाकी बेटा आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, इसके साथ रहोगे तो दिक्कत होगी, मूव आउट कर लो. मैं सामने आ गई हूँ सारी की सारी सच्चाई बताने के लिए कि आखिर सौरभ जोशी ने इन सारी चीजों को कैसे अंजाम दिया, उन्होंने मेरे साथ इस तरीके की चीजें कब करी, कैसे करी. भाई मैं आपको फक भाई एक सेकंड यार, इसमें कोई डिस्क्लेमर वगैरह है क्या कि ये बेंचो मजाक है? अबे मजाक है मतलब ये ऐसी वीडियोस बनाती है सबके लिए, बट रिगार्ड इंसान के ऊपर भी इसने बनाई है वो तो ठीक है, बट लाइक इज दिस एक्चुअली फन? मतलब एक होता है ना कि इंसान को पता है या फिर वो जानबूझ के ये कर रहा है. लाइक आई वांट टू सी हर रियल फेस. वो जानबूझ के यही कर रही है, इसको पता है. मैं जाके उनसे बात करती हूँ, मैं उनके पीछे ही थी तो मैंने उनको देख लिया था, तो मैंने सोचा कि मैं जाके बात कर लेती हूँ. वैसे तो भाई मेरे को कोई शौक है नहीं किसी से बात करने का, लेकिन मैंने सोचा कि भाई चलो मिले हैं तो थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं. मेरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि तुम सौरभ से मिलो, सौरभ से मिलो. तो मैंने कहा ठीक है, अगर मिल ही गए हैं ऐसे ही रस्ते में तो चलो जाके बात कर लेते हैं, क्योंकि सौरभ जोशी तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो तो आएंगे नहीं मेरे पास बात करने. अब एक सेकेंड यार, ये घमंडी वाला चीज़ क्यों आता है मेरे को एक चीज़ बताओ. उसकी एक पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? वो व्लॉग करता है, इसका मतलब वो ये थोड़ी है कि मैं वो हर किसी से मिलेगा. सही बात, और वो नहीं मिल रहा तो वो घमंडी है. सही बात है भाई. मतलब पॉइंट भी कि यार उसने बंदे ने उखाड़ा है भाई उसकी लाइफ में, ठीक है. उसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर है? 14-15. अगर तुम कह रहे हो कि वो घमंडी है तो भाई ही डिजर्व टू बी घमंडी. भाई वैसे तो ये डिजर्व्स टू बी घमंडी, बट लगता नहीं देख के यार ये घमंडी. हाँ मुझे भी नहीं लगता यार, लाइक जितनी मैंने उसकी वीडियो देखी मुझे तो भाई बहुत इनोसेंट और जेन्युइन सा बंदा लगा.
अगर उस पे टाइम की कमी है और उस पे वो किसी को मना कर रहा है किसी से बात करने के लिए, तो भाई he has all the right to say that यार. तुम कौन हो जो बोलने वाले की घमंडी हो रहे हो. That sorted, I don't think कि ये बंदी सही में मिली होगी उससे. वो तो हमें पता है, सबको पता है, व्यूअर्स को भी पता है भाई. बट वो लोग देख रहे हैं हमारी जरा, जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू नो कि ये साइकोपैथ है कि नहीं. सो गाइस मैं ही चली गई उनके पास. तो जब मैं उनके पास गई तो हम वहाँ पे साहिल भी खड़े थे. साहिल तो बहुत ही अच्छे, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी. तो मैं वहाँ पे मतलब सौरभ वगैरह से, साहिल वगैरह से बात करने लग गई. सो गाइस बातों ही बातों में वहाँ पे सौरभ जोशी ने मुझे बोला कि पायल मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी थी, तुम्हारे चैनल पे तुमने एक वीडियो बनाया था जिसमें तुमने सारे यूट्यूबर्स को चैलेंज किया था बॉक्सिंग मैच के लिए. मैंने वो वीडियो देखा था एंड मैंने कहा था दिस इज गोल्ड भाई, दिस कंटेंट इज गोल्ड. उसके बाद सौरभ ने मुक्के मार दिए इसको कि ये ले बॉक्सिंग मैच. तुम 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 पायल ने बोला अरे रुक जाओ रिंग में करेंगे. कहा ले बॉक्सिंग मैच, मैं घमंडी हूँ. घमंडी मुक्के मारे. बॉक्सिंग मैच करके देख लेते हैं. तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं करने के लिए तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं. भाई मैं नहीं डरती किसी से. तो गाइस हमने वहीं पे मतलब चलते चलते प्लानिंग करी कि कहाँ पे लोकेशन वगैरह. लो बजट रिएक्ट गाइस. किसी और रिएक्शन में तुमने देखा है कि बीच में मच्छर आ गया मारने को कोशिश कर रहा रिएक्शन वाला बंदा. दिस इज व्हाट यू फाइंड, यू नो द ओरिजिनलिटी एंड द रॉनेस. You will not find this anywhere. So subscribe. Yes. क्या करना है, मैं सब कुछ तैयारी कर रही थी कि तब तक वहाँ पे सौरभ जोशी आ गए एंड हाथ में वो पहन के जो नहीं होता जिससे मतलब लड़ाई करते टाइम जो पहनते हैं वो पहन. देखो बॉक्सिंग करनी तेरे को ये नहीं पता हाथ में क्या पहनते. What to say भाई. क्या हो गया तू क्यों नहीं बोल रहा. मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी बोलूँ ना तो वो लेस फनी लगेगा. तो मैं सोच रहा हूँ कि देख लो भाई दोस्तों तुम देख लो इसे. मैं क्या ही बोलूं भाई और कैसे फनी बनाऊं इसे. मैं पहन के आ गए एंड मेरे पास वो चीज थी भी नहीं हाथ में पहनने के लिए. मुझे ऐसे ही लड़ने, मुझे लगा ऐसे ही लड़ना है नॉर्मल हाथों से. लेकिन उन्होंने अपने हाथों में वो पहन रखा था जो ब्लू कलर का था उनके पास एंड उन्होंने हाथों में पहन रखा था. एंड गाइस उसी से उन्होंने सीधा मतलब अभी बॉक्सिंग मैच शुरू भी नहीं हुआ था, मैं अभी आई भी नहीं थी ग्राउंड में, मैं अभी साइड में मतलब वहां पे तैयार. ग्राउंड में बॉक्सिंग मैच ग्राउंड में कर रही है, रिंग में नहीं कर रही बॉक्सिंग. उसने कितने डिटेल तक सोचा हुआ है यार ये. लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस यार. इसने कितना डिटेल में सपना देखा. ये रोज सपना देखती होगी. सपना देख के ना लिख लेती होगी. फिर उस पर वीडियो बना देती होगी कि आज मेरे सपने में सौरभ जोशी आए, उन्होंने मेरे को बहुत मारा. नहीं पहले ये सपना देखती होगी, फिर उठती होगी, फिर स्नैपचैट फिल्टर ढूंढती होगी सपने के अकॉर्डिंग. मैं आप सब दुनिया को बताने जा रही हूँ, उन्होंने आते ही मेरे मुंह पे यहाँ पे सीधे दो घुसंड मारे, एक यहाँ मारा है घूसा एंड मुझे एक यहाँ घूसा मारा है. भाई मैं सबके इस तरफ से सौरभ जोशी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उसने मुक्के मारे इसके दो. सोच कभी इसके साथ सच में हो जाए कुछ गलत, सच में कोई मुक्के मार दे इसको. कोई विश्वास नहीं करेगा, जैसे वो होता ना, विश्वास ही नहीं करेगा. हाँ जैसे वो सब बोले भेड़िये वाली स्टोरी नहीं थी. हाँ शेर आया चूते बनाता है गाँव वालों को, सच में आ जाता है. सब बोलेंगे फिल्टर है यार. सिंगर वाले देख के सामने ना फिल्टर है पागल. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट डू लाइक बटन. एम करते हैं कितने लाइक्स के लिए. लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स दिस टाइम. 1000 आते हैं क्या? 4-500 आते हैं. 1000 के लिए कर रहे हैं. 1000 के लिए. 1000 के लिए. यू नो लाइक्स कमेंट्स दिस इज व्हाट एड्स इंटरेक्शन. इससे ना YouTube को लगता है कि ये हम अच्छा अच्छा करते हैं कुछ. इवन दो हम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं व्हाटएवर इट इज. YouTube को लगना है. ट्रू. Fake it until you make it. That's what we believe in. And subscribe if you want to watch more such raw reaction like. हाँ यार एक तरीके से भाई हमारा motive यही है भाई कि तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम भाइयों के साथ बैठ के तुम भी देख रहे हो सीरियल. हाँ जैसे कि तुम्हारे जैसे ही कुछ लड़के हैं और वो मजे कर रहे हैं and you're like yes.